आपको बता दें, दाऊद इब्राहिम से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी ये सामने आई है। पाकिस्तान के आतंकवादियों की लिस्ट में दाऊद का नाम है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कराची में है। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान की ओर से ही ये जानकारी दी गई है, कराची में है दाऊद इब्राहिम। पहली बार ऐसा हुआ है जब पाकिस्तान ने इस बात को कबूला है। गीता मोहन हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है ज्यादा जानकारी के साथ। गीता, पाकिस्तान ने आखिरकार कबूल कर ही लिया कि अंडरवर्ल्ड डॉन जो आतंकी है दाऊद इब्राहिम वो कराची में मौजूद है, और किस तरह की जानकारी मिली है? जी बिल्कुल चित्रा, जो आप लिस्ट देख रहे हैं वो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने ये लिस्ट जारी किया है, और इस लिस्ट में ऐसे सारे नाम हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के तहत टेररिस्ट करार दिए गए हैं। तो पाकिस्तान के ऊपर काफी प्रेशर था कि अगर कोई ऐसा आदमी या ऐसा इंसान एंटिटी हो जो जिसका कोई भी एड्रेस पाकिस्तान में रहा हो तो उसको इस लिस्ट में होना जरूरी है। एफएटीएफ के चलते जो प्रेशर पाकिस्तान में बन रहा था उसके मद्देनजर अब हम देख रहे हैं कि जो लिस्ट निकाला है फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान ने उसमें दाऊद इब्राहिम भी है। और अगर आप उस लिस्ट में उस डॉक्यूमेंट को पढ़ें जो दाऊद इब्राहिम के नाम के नीचे है, वहां पे साफ तौर से नजर आ रहा है कि जो एड्रेस दिया है वो व्हाइट हाउस जो दाऊद इब्राहिम के घर का नाम है कराची में वो एड्रेस है, और कराची में उसका एड्रेस के उसके एड्रेस की डिटेल्स दिए हैं। तो ये पहली बार हम देख रहे हैं कि जिन डॉक्यूमेंट्स जिन एड्रेस को हम बार बार अपने टीवी चैनल्स पे अपने स्पेशल प्रोग्राम्स में अपने सोर्सेस के थ्रू देते आ रहे हैं कि कराची के व्हाइट हाउस में दाऊद इब्राहिम का ऑफिशियल रेजिडेंस है, वो आज ऑफिशियली पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट में नजर आ रहा है। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस उज्ज्वल निगम साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उज्ज्वल साहब, पहली बार पाकिस्तान ने इस बात को कबूला है कि हाँ, पाकिस्तान में ही कराची में है मुंबई हमलों का सबसे बड़ा गुनहगार दाऊद इब्राहिम, कैसे देखा जाए इसको? देखिए, हमारी सरकार की ये कूटनीति का यश मैं मानता हूँ, और दूसरी बात है कि पाकिस्तान पर इंटरनेशनल कम्युनिटी का दबाव और पाकिस्तान को मॉनेटरी जो मदद हेल्प मिल रही थी वो मदद कम होने की आशंका, इसी वजह इसी दबाव से आज पाकिस्तान ने पहली बार कबूला कि यस दाऊद इब्राहिम हमलैंड में। आज तक पाकिस्तान हमेशा छुटे मक्कार से कर रहा था, और पाकिस्तान ने बात कबूल की उसकी वजह दो है, एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर और पाकिस्तान जो फाइनेंशियल क्राइसिस से उसमें बचना चाहता था, और दूसरा दाऊद इब्राहिम इतना बुढ़ा हो गया है कि अभी पाकिस्तान के लिए कुछ काम का नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान ने ये जान पूछ कर सोची हुई चाल के मुताबिक एक्सेप्ट किया है कि यस दाऊद इब्राहिम यहाँ हमारे कराची में रहता है, वो मुंबई का है, महाराष्ट्र का है, इंडियन ओरिजिन का है, ये बात पहली बार कबूल है। लेकिन उज्ज्वल निकम साहब, कसाब को तो फांसी पर आपने लटकवा दिया, जिस तरह की आपने इन्वेस्टिगेशन की पूरे मामले में आपने हिंदुस्तान का मजबूती से पक्ष रखा, और फिलहाल मुंबई हमलों का जो गुनहगार था वो फांसी पर लटक गया, लेकिन दाऊद इब्राहिम जो 1993 में मुंबई हमलों का सबसे बड़ा गुनहगार है, अब पाकिस्तान ने जब इस बात को स्वीकार कर लिया है तो हिंदुस्तान अब इस पूरे मामले में कैसे आगे बढ़ेगा ताकि इसको भारत लाया जा सके? चित्रा जी, 93 का मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट मैंने चलाए हैं, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट की जो साजिश दुबई में पहली बार हुई थी उस मीटिंग में दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन और चंद कुछ लोग थे जो पाकिस्तान से थे, और ये इतना ही नहीं तो इसके लिए सबूत भी हमने कोर्ट में पेश किए थे, गवाहदार को कोर्ट पेश किया था, तो उसके लिए इंटरपोल का रेड कॉर्नर की नोटिस भी निकाली गई है। अभी पाकिस्तान से वो कैसे लाया गया ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा देश में कोई एक्सट्रैडिशन ट्रीटी करार नहीं है, और इसीलिए पाकिस्तान को डिपोर्ट करना पड़ेगा। पाकिस्तान डिपोर्ट कौन से भी हालत में यहाँ करेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में जो चलती है वो पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई की चलती है, और कभी नहीं चाहेंगे कि दाऊद इब्राहिम को भेजा जाएगा। अगर भारत सरकार ने इसके बारे में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में भी कहा तो जरूर पाकिस्तान कहेगा कि हमारे यहाँ कोर्ट से काम चलता है, हमारे कोर्ट स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। हम उसमें जो मुझे पर्सनल तजुर्बा आया था, मैं खुद पाकिस्तान में गया था जब 26/11 का आतंकी हमला होने के बाद अजमल कसाब को फांसी देने के बाद, तब हम इस्लामाबाद में गए थे, ऑफिशियल डेलीगेशन हम 4 लोगों का गया था, हमने उनको सवाल किया था कि आपने हाफिज सईद को नहीं पकड़ा, जकीउर रहमान को पर नहीं पकड़ा, जकीउर रहमान को पकड़ के उसको बेल पे छोड़ दिया, तो पाकिस्तान के अधिकारी कहते आप सबूत दो, मतलब अरे भाई हमने तो सबूत किए अजमल कसाब का इकबाली बयान। सर, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं, और यकीनन
जिस तरह से कसाब को हिंदुस्तान ने फांसी पर लटकते हुए देखा था, यह भी मुंबई हमलों का 1993 का सबसे बड़ा गुनहगार। मुंबई में 1993 में 13 जगह ब्लास्ट हुए थे जिसमें 257 लोगों की जान गई थी, 700 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। उसका यह गुनहगार है, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है। जीडी बख्शी इस वक्त हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। पाकिस्तान ने आतंकवादियों की लिस्ट जारी की है जीडी बख्शी जी, जिसमें दाऊद इब्राहिम का भी नाम है और कहा गया है उसके खाते सीज कर दिए जाएं। इस खबर को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जब भी दबाव पड़ता है, अमेरिका का दबाव पड़ता है, तो पाकिस्तान इस किस्म के कॉस्मेटिक जेस्चर्स करता है। दाऊद इब्राहिम तो इनका सबसे बड़ा सरगना है आईएसआई का। मुझे नहीं लगता वो उसको इतनी आसानी से, हमको कोई एक्सट्रैडिशन ट्रीटी है नहीं, कोई डिपोर्टेशन का कोई मसला ही नहीं हो सकता इनके हमारे बीच में। नाटक ये करते हैं, घुमाते रहते हैं भवीरी की तरह। आपको पिछली बार भी जो नाटक इन्होंने 26/11 के लिए किया वो तो मतलब हद बर्दाश्त की हद से ज्यादा, और किस तरह हमारी पुरानी सरकारें वो नाटक में शामिल हुई ये भी शर्मनाक बात। हमको जो है अब इसके ऊपर खुद एक्शन लेना पड़ेगा। पाकिस्तान ऑलरेडी नोटिस पे है कि आप यहाँ टेररिस्ट इंसिडेंट करके देखिए, परिणाम आपको सीमा के पार भुगतने होंगे। सर, लेकिन दो महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, पहली बार उसने इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ, कराची में ही है दाऊद इब्राहिम। वहीं दूसरी बात यह भी निकलकर सामने आ रही है कि दरअसल एफएटीएफ की काली सूची में पाकिस्तान खुद को डालने से बचाने के लिए उसने इस तरह की चाल चली, और इसी वजह से पाकिस्तान ने तालिबान पर भी बैन लगाया है। आज ही की यह भी बड़ी खबर है। तो उसकी ये चाल है, लेकिन कम से कम उसने स्वीकारा तो कि दाऊद इब्राहिम हमारे पास है। तो ऐसे में हिंदुस्तान का स्टैंड किस रूप में अब आगे बढ़ना चाहिए, इसको किस नजरिए से देख रहे हैं आप? हमको वी शुड थंप द टेबल, और हमको उसको मांगना चाहिए एक्स्ट्राडाइट करो ताकि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, उसके हाथ खून से रंगे, कितने सैकड़ों भारतीयों के खून से रंगे उसके हाथ। उसको तो यहाँ पे बुला के सजाए मौत से कम तो कुछ है ही नहीं। और मैं कहना ये चाहता हूँ कि देखिए, ये सब क्या हमको मालूम नहीं हाफिज सईद कहाँ है? बिल्कुल, क्या हमको मालूम नहीं कि ये जकीर रहमान लखवी कहाँ है, मसूद अजहर कहाँ है, और पाकिस्तान क्या वो ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट पे नहीं है? क्या दिया है आपको आज तक? तो ये जो उम्मीद यहाँ जगनी शुरू होती है और हम लोग ड्रामे बाजे शुरू कर देते हैं कि आ गया, मान गया मान गया, ये छोटी छोटी चीजें हैं, कंसेशन है जो जबरन पाकिस्तान को देनी पड़ती है अंडर इंटरनेशनल प्रेशर। ऑन ग्राउंड जब तक हमारे हाथ में ना सौंपे, इट मीन्स नथिंग। तो हमारे हाथ में सौंपने के लिए हिंदुस्तान को अब किस तरह से पाकिस्तान से बातचीत करनी होगी, क्योंकि यहां पर 1993 का मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट 12 मार्च का 13 जगहों पर ब्लास्ट हुआ था, और कितना खौफनाक वो मंजर था उसका जिक्र करने से भी रूह कांपती है। जीडी बख्शी साहब, 257 लोगों की जान चली गई थी, 700 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे, जिसमें से बाद में कुछ लोगों की जान भी चली गई थी। उस हमले का ये गुनहगार है ये शख्स। हमको खुद सबसे बेस्ट होगा कि जो अमेरिकन ने ओसामा बिन लादेन के बरखिलाफ किया वो हम इसके बरखिलाफ करें। सबसे उत्तम और एकमात्र तरीका मैं समझता हूँ ये है, हमारे पास वो कैपेबिलिटीज है प्रिसिशन स्ट्राइक की, इसको लोकेट करें और इसको उड़ा दें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। पहुंचना चाहिए।